आज हम शुरू करेंगे गिनती जीरो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरहत। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही, फिर जब एजुकेशन सिस्टम इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल में पढ़ाना, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे खुद ही पढ़ाती हूँ। जो चीज़ें मैं उनके लिए नई सीख रही हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले तो आप चिट्टे पे काले से लिख के दिखाएंगे ज़ीरो बच्चे को, ठीक है? फिर हाथ से ज़ीरो ऐसे गोल बना के दिखाएंगे, ज़ीरो। उसके बाद आपने एक ये फ्लावर पॉट बना लेना है और एक शर्ट बना लेनी है। अब जैसे आप देख सकते हैं, फ्लावर पॉट के ऊपर, गमले के ऊपर कोई फूल नहीं है, शर्ट के ऊपर कोई बटन नहीं है, तो ज़ीरो, ज़ीरो बटन और ज़ीरो फूल। उसके बाद अभी जो मैंने आपको ट्रे बनानी बताई थी, सॉल्ट ट्रे, अगर नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हैं कार्ड में भी। अच्छा, उसके ऊपर आप बच्चे को ज़ीरो लिख के दिखाएंगे, ज़ीरो, ठीक है? ऊपर से शुरू करना, खैर पहले ऊपर से नीचे गोल, ठीक है? यहाँ से हाफ सर्कल, हाफ सर्कल अप, अप हाफ सर्कल डाउन, हाफ सर्कल अप, ठीक है? ऐसे सिखा दें, या फिर ऊपर से शुरू करना, अप राउंड डाउन राउंड अप, समझ आ गई? ऐसे करके उसको बताना है और फिर आपका बच्चा ट्रे में खूब मस्तियां करेगा और ज़ीरो लिखेगा बार बार। उसके बाद आप एक पेज पे उसको ज़ीरो लिखा हुआ देंगे जिसमें वो कलर करेगा, ठीक है? उससे अगले दिन आप उसको ये वाली वर्कशीट कराएंगे जिसमें ऊपर ज़ीरो की ट्रेसिंग है सारी, ठीक है? नीचे हम कोई भी बटन या कुछ भी रखेंगे, लेकिन अभी ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं। फिर ज़ीरो ज़ीरो को उसने कलर करना है, फिर नीचे ज़ीरो ज़ीरो उसने लिखना है, फिर नंबर लाइन पे हम उसको दिखाएंगे कि दिस इज़ ज़ीरो। और बड़ी ज़बरदस्त ये शीट है, बहुत ज़्यादा ढूंढ के रिसर्च करके ये बनाई गई है। अच्छा जी, उसके बाद हम अगले पेज पे आ जाएंगे जिसमें शर्ट्स हैं। अगेन किसी के ऊपर वन लिखा हुआ है सिर्फ इंडिकेट करने के लिए, अभी हमने बच्चे को वन नहीं कराया, लेकिन ज़ीरो का मतलब कोई बटन नहीं, वन का मतलब कि एक बटन है। ऊपर वाले में वो काउंट मतलब बनाएगा, ड्रॉ करेगा बटन, और नीचे वाले में वो काउंट करके नीचे लिखेगा, ठीक है? और इससे नीचे गमला है जिसके ऊपर वो ज़ीरो लिख देगा। राइट टू, देखा, लिखाई हो गई, पढ़ाई हो गई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, सारा कुछ समझ भी आ गया हमें। चलो जी, अब आपको ये कार्ड वगैरह या वर्कबुक बिल्कुल आप खुद घर पे बनाएं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को इनकरेज करूँगी, ठीक है? और अगर आपको ये मेरे से बने हुए चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और फटाफट से लाइक करें मेरी वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और जिन्होंने अभी अपने बच्चों को गिनती शुरू नहीं कराई तो करा दो, अब मेरे साथ शुरू करा दो। अब इंशाल्लाह मैं सारे डिजिट्स को लेके चलने वाली हूँ, ठीक है? चलो जी, कमेंट्स में अपना नाम लिखें, अपना नाम ना लिखें, अपने बच्चे की एज लिखें, अपने बच्चे की एज लिखें और बताएं वो कैसा है काउंटिंग में, मैथ्स में उसको क्या प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर। कल एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, एक नए अल्फ़ाबेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।